नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। श्री महालक्ष्मी माता का 25वां महा अन्नकूट श्रृंगार 6 दिसंबर को प्रातः 5 से रात्रि 12:30 तक। वाराणसी लक्सा स्थित श्री महालक्ष्मी माता के महा अन्नकूट श्रृंगार के बारे में महंत श्री शिव प्रकाश पांडे महाराज जी पत्रकारों के सामने हुए मुखातिब। महंत जी ने पत्रकारों को बताया, श्री महालक्ष्मी माता का 25वां श्रृंगार महान्नकूट मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में माता को विभिन्न प्रकारों का भोग लगाया जाएगा। श्री महालक्ष्मी महाकाली एवं महासरस्वती जी का दर्शन सिर्फ अन्नकूट के दिन ही सुलभ हो पाता है। अन्नकूट व श्रृंगार में मां के दरबार में सांस्कृतिक प्रोग्राम में नामी गिरामी कलाकार भी हाजिरी लगाएंगे। प्रमुख मंदिर काशी। गुरु जी, आज यहाँ पे किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, क्या इसका विगत वर्षों की भांति 20 वर्ष भी लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्री पीठ श्री महालक्ष्मी माता का वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव के संबंध में आज पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें 6 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक भगवती त्रिशक्ति श्री पीठ महालक्ष्मी माता का अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें शताधिक प्रकार के व्यंजनों का भोग माँ को अर्पण किया जाएगा और फल फूल सब्जी अन्न वस्त्र इत्यादि से संपूर्ण मंदिर को सजाया जाएगा। प्रातः 3 बजे मंगला आरती के पश्चात भगवती का खोडोपचार पूजन करके दर्शनार्थ प्रातः 5 बजे मंदिर दर्शनार्थ खोला जाएगा। गुरुजी, इस साल माँ के अन्नकूट में विशेष क्या होगा? देखिए, काशी में ये परंपरा है कि जैसे अन्नपूर्णा मंदिर में स्वर्ण अन्नपूर्णा आदि का दर्शन पूजन किया जाता है, तो वर्ष में एक रोज अन्नकूट के दिन महालक्ष्मी मंदिर में स्वर्ण महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का विग्रह सजाया जाता है और भगवती को अन्न का भोग अर्पण किया जाता है। ये सारे कार्यक्रम राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य के कामना से श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुजी, आम दर्शनार्थियों के लिए माँ का पट कब खुलेगा? प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक अनवरत माँ का दर्शन होगा। रात्रि 8 बजे से केडी अमन के नेतृत्व में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के एवं आसपास के प्रख्यात कलाकार अपनी स्वरांजलि माँ के चरणों में अर्पित करेंगे।